अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। उपचुनाव का एक्सक्लूसिव एग्जिट पोल, देखिए कौन मार रहा है उपचुनाव में बाजी, कौन बनेगा सियासी बाजीगर, होने वाला है बड़ा खुलासा। आने वाले दो मिनट में होगी उपचुनाव की पूरी तस्वीर साफ। यूपी की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की वोटिंग पूरी होने के साथ ही तमाम प्रत्याशियों और दलों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। अब लोगों को इंतजार है आने वाली 10 तारीख का, जब मतगणना के साथ वोटर्स के मन की आवाज सामने आएगी और पता चल जाएगा कि आखिर 2022 से पहले यूपी में माहौल किस ओर झुक रहा है। उत्तर प्रदेश की फिजाओं में बदलाव की बयार बहेगी या फिर योगी और मोदी पर जनता का विश्वास पहले की तरह अभी भी कायम है, आने वाली 10 तारीख को साफ तौर से पता चल जाएगा। इसी बीच यूपी के लोगों की नजर उपचुनाव के एग्जिट पोल पर भी टिकी हुई है। एग्जिट पोल के आंकड़ों के जरिए लोग जानना चाहते हैं कि आखिर वोटिंग के दौरान रुझान किस ओर रहा है। वोटर्स ने बीजेपी पर भरोसा कायम रखा है या फिर वोट देते समय मतदाताओं के जहन में बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और कोरोना में बद इंतजामी का मुद्दा घूम रहा था। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान के बाद मीडिया हलचल आपके लिए लेकर आया है सबसे बड़ा एक्सपर्ट एग्जिट पोल। ये एग्जिट पोल उन तमाम विधानसभा क्षेत्रों के राजनीतिक एक्सपर्ट के विश्लेषणों को मिलाकर तैयार किया गया है जहां उपचुनाव के लिए वोटिंग आज हो चुकी है। तो चलिए देर न करते हुए सीधे एग्जिट पोल के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। जैसा कि ओपिनियन पोल में भी सामने आया था कि बीएसपी और कांग्रेस के लिए ये उपचुनाव बुरी खबर लेकर आ सकता है, और वैसा ही कुछ इस एग्जिट पोल में भी दिखाई दे रहा है। आइए जानते हैं कि एग्जिट पोल में हमारे एक्सपर्ट्स बहुजन समाज पार्टी को इन 7 सीटों में से कितनी सीटें दे रहे हैं। एक्सपर्ट एग्जिट पोल के मुताबिक जिन 7 विधानसभा सीटों पर यूपी में उपचुनाव हुआ है उनमें से बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट मिलने नहीं जा रही है। ठीक सुना आपने, बहुजन समाज पार्टी जीरो पर ही सिमटती दिखाई दे रही है और बीएसपी जैसा ही हाल कांग्रेस का भी है। उपचुनाव में कांग्रेस भी जीरो के आंकड़े पर ही रहने वाली है, ऐसा एक्सपर्ट एग्जिट पोल बता रहे हैं। अगर बात की जाए बीजेपी की तो सीएम योगी के नेतृत्व में बीजेपी के तमाम बड़े नेता उपचुनाव के प्रचार के दौरान सक्रिय रहे हैं। खुद सीएम योगी ने कई जनसभाएं की और चुनाव वाले क्षेत्रों के लिए कई घोषणाएं भी की हैं। उपचुनाव में पूरी तरह से सीएम की प्रतिष्ठा दांव पर है। जिन 7 सीटों पर निर्वाचन हो रहा है उनमें से 6 पर बीजेपी का कब्जा था। इस लिहाज से बीजेपी आलाकमान साफ तौर से चाहता है कि कम से कम 6 सीटें तो उसी के कब्जे में बनी रहें। अगर एग्जिट पोल की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को इस सर्वे में 7 में से 4 पर जीत मिलने का अनुमान है। साफ तौर पर बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी 2 सीटें दरकती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि एक्सपर्ट ओपिनियन पोल में बीजेपी को 3 सीटों पर ही जीत का आकलन किया गया था, लेकिन एग्जिट पोल में बीजेपी के खाते में 1 सीट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बात करें समाजवादी पार्टी की तो 7 में से 3 सीटों पर अखिलेश यादव का जादू चलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्सपर्ट एग्जिट पोल के मुताबिक सपा को उपचुनाव में 3 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। हालांकि चुनाव में अखिलेश यादव कोई खास सक्रिय नहीं दिखाई दिए और न ही उन्होंने किसी विधानसभा क्षेत्र में जाकर कोई जनसभा की, लेकिन धर्मेंद्र यादव जरूर चुनाव की कमान संभालते हुए दिखाई दिए थे। 3 सीटें पाकर भी सपा पूरी तरह से फायदे में दिखाई दे रही है, क्योंकि इन 7 में से महज 1 सीट पर ही सपा काबिज थी। लेकिन उपचुनाव में पार्टी जहां अपनी सीट तो बचा ही रही है, वहीं 2 अन्य सीटों पर बीजेपी को सीधी शिकस्त देते हुए भी नजर आ रही है। सपा अगर 3 सीटें जीतने में सफल रहती है तो मनोवैज्ञानिक रूप से ये बड़ी जीत मानी जाएगी। तो एक्सपर्ट एग्जिट पोल का फाइनल रिजल्ट आपके सामने है। एक्सपर्ट पोल के मुताबिक बीजेपी को 4 और समाजवादी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं। मतगणना के दिन यानी 10 नवंबर को सुबह से ही सभी सीटों के सीधे रिजल्ट आप मीडिया हलचल पर देख सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मीडिया हलचल।